भाई लोग क्या हालचाल, वेलकम बैक टू इंडियन सोल्जर वन। यार ये जो गेमिंग न्यूज़ का एपिसोड है ना, ये वन ऑफ दोज एपिसोड्स है जिसको बनाते हुए अंदर से खुशी हो रही है, क्योंकि भाई इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ सामने आ चुकी है। तो प्लीज़ एंड तक जरूर देख लेना, फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पर भी शेयर करता रहता हूँ। इंडियन सोल्जर _1 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये Q&A की जो वीडियो है उसके लिए मैं ऑलरेडी क्वेश्चंस सेलेक्ट कर चुका हूँ पिछले गेमिंग न्यूज़ के एपिसोड के नीचे से, तो प्लीज़ इसके नीचे कमेंट करके और क्वेश्चंस अभी मत पूछना। शुरू करते हैं गेमिंग न्यूज़ का ये एपिसोड नंबर 202, लेट्स गो। सबसे पहली अच्छी खबर आ रही है PlayStation 5 के इंडिया लॉन्च को लेकर, जो फाइनली एक ट्रेडमार्क वाला इशू चल रहा था उसको रिजॉल्व कर दिया गया है। जो भी बंदे ने वो ट्रेडमार्क कराया था दिल्ली से, जो था स्वानी या हितेश जो भी नाम था उसका, उसने फाइनली वो ट्रेडमार्क वाली चीज़ को अपोलोजाइज करके वापस ले लिया है। उसको मेरे ख्याल से कुछ अच्छा खासा अमाउंट भी देना पड़ेगा, उसके ऊपर फाइन वगैरह लग चुके हैं, और फाइनली अभी इशू रिजॉल्व हो चुका है। इसीलिए PlayStation 5 का इंडिया ऑफिशियल पेज अब दिखा रहा है November 19th की रिलीज डेट। अब फाइनली वो दिख रही है भाई, इस समय अभी तक तो दिख रही है, अब वो चेंज होनी हो बाद में तो बात अलग है, लेकिन फाइनली हम होप कर सकते हैं कि नवंबर 19 यानी कि बस कुछ 20-22 दिन के अंदर इंडिया में भी PlayStation 5 रिलीज हो जाएगा। अब इंतज़ार है तो सोनी के ऑफिशियल प्री ऑर्डर की अनाउंसमेंट का, जो बहुत जल्दी हो सकती है, जैसे ही होगी आपको इस चैनल पर पता चल जाएगा। दूसरी न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जल्दी से अपने मोबाइल फ़ोन को उठाओ, अगर आपने उसके ऊपर PlayStation ऐप को ऑलरेडी इंस्टॉल करा हुआ है तो उसको अपडेट करो, और अगर नहीं करा हुआ तो जाके इंस्टॉल करो प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से, क्योंकि दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये ऐप अपडेट हो चुकी है PlayStation 5 के लिए। और जाके देखो क्या ऑसम नई लुक है, मैंने अभी अपने आईफोन पे अपडेट करी है और भाई इतनी प्यारी लुक है ना इस ऐप की, पूरा PlayStation 5 वाला फील आपको आएगा। जल्दी से जाओ उसको इंस्टॉल करो। अगर आप चाहते हो इस ऐप के ऊपर, इस नए अपडेट के ऊपर मैं कोई डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, लेकिन अगर उसी मोबाइल के ऊपर ये वीडियो देख रहे हो तो पहले वीडियो देख लो उसके बाद अपडेट कर लेना। तीसरी न्यूज़ थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड न्यूज़ है, साइबरपंक 2077 दोबारा से डिले हो चुकी है। वाह भाई कौन सी बड़ी बात हो गई, December 10th को अभी ये गेम रिलीज़ हो रही है। CD Projekt Red का एक्सक्यूज पता क्या है, कि ये गेम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आ रही है, PS4, PS5, Xbox One SX, Xbox Series SX और PC पे, तो इसलिए ना हमें ऑप्टिमाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है। अबे तो ये बात तुम्हें पहले से नहीं पता थी क्या, मतलब ये तो भाई पूरी दुनिया को पता है कि ये गेम सारे प्लेटफॉर्म्स पे आ रही है, सारी कंपनियों की सारी गेम सारे प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं इस समय, स्पाइडरमैन, होराइजन जीरो डॉन सब भाई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आ रही हैं, और वॉच डॉग्स लीजन जो आज ही रिलीज़ हुई है वो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई है। तो यार ये क्या एक्सक्यूज़ हुआ, और वो भी तब जब गेम हैज़ गॉन गोल्ड अनाउंस कर दिया था। अब जो गेम हैज़ गॉन गोल्ड एक टर्म यूज़ होती है, वो तब यूज़ होती है जब एक गेम पूरी तरह से रेडी होती है शिपमेंट के लिए, तो उसकी जो डिस्क वगैरह है वो मैन्युफैक्चर होनी स्टार्ट हो चुकी होती हैं, और मतलब पैकेजिंग वगैरह पूरी स्टार्ट हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है उसका, तो तब बोला जाता है गेम हैज़ गॉन गोल्ड, जो कि अनाउंस कर दिया था साइबरपंक ने करीब 1-1.5 महीने पहले। तो उसके बाद अब डिले फिर से, भाई मतलब मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर December 10th से भी फिर दोबारा डिले हो जाएगी। और इसके बाद एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि अगर आप लोगों ने किसी भी शॉपकीपर को साइबरपंक जैसी गेम्स के प्री ऑर्डर के लिए पैसे दे रखे हैं तो भाई आप वापस मांग सकते हो बिल्कुल, और कोई शॉपकीपर अगर मना करे ना भाई बहाने पता क्या लगा रहे हैं, मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं कि वासा भाई हमने पैसे वापस मांगे, तो वो कह रहे हैं कि हमने सोनी को और माइक्रोसॉफ्ट को आगे पैसे दे दिए हैं प्री ऑर्डर के लिए। भाई झूठ है सर, अपने पैसे अगर वापस लेने चाहते हो तो ले सकते हो बिल्कुल, और कमेंट सेक्शन में बता देना अगर कोई भी शॉपकीपर कोई भी ऐसी बकवास करे तो। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है PlayStation डिवीजन के CEO जिम रायन की तरफ से। अब जिम रायन ने ऑफिशियली एक बात बोलती है जो बहुत डिसअपॉइंटिंग है, उन्होंने बोला है कि इट विल बी वेरी हार्ड फॉर पीपल टू फाइंड PlayStation 5 इन 2020 इन स्टोर्स। 2020 जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको PlayStation 5 मिलना बहुत मुश्किल होगा, ये ऑफिशियली सोनी PlayStation डिवीजन का CEO बोल रहा है। तो ऑब्वियसली यार इंडिया जैसी कंट्री का तो मुझे नहीं पता कि कितने पीस यहाँ पे आ रहे हैं, बट यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा कमी है, वहाँ पे भी लोग प्री ऑर्डर नहीं कर पा रहे, बस जो कुछ क्रिएटर्स वगैरह थे जिनकी अनबॉक्सिंग आपने देख ली उन लोगों को तो मिल गई है टाइम से PlayStation 5, टाइम से पहले ही मिल गई है, लेकिन आम जनता का कुछ नहीं पता भाई। इंडिया में तो अभी तो प्री ऑर्डर की डेट वगैरह भी अनाउंस नहीं हुई है, प्री ऑर्डर्स कौन कौन कर पाएगा कौन कौन नहीं कर पाएगा ये भी नहीं पता, प्री ऑर्डर्स कहाँ पे होंगे ये भी नहीं पता, रिलीज डेट भी अभी कन्फर्म नहीं है, वो तो November 19th लिखा आ गया लेकिन पता नहीं ये चेंज हो जाए। तो अभी PlayStation 5 को लेकर इस स्टेज पे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, जो कि यार बहुत डिसअपॉइंटिंग है। और मेरे ख्याल से सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि 2020 में जो सबसे बड़ा पैंडेमिक हुआ है ना कोरोना वाला, इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आ रही है मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वॉच डॉग्स लीजन, आज रिलीज हो चुकी है भाई वॉच डॉग्स लीजन। अगर आप PS4 या Xbox One या PC पे खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, लेकिन Xbox यूजर्स के लिए एक बात बता दूँ, Xbox One X
ये जो कॉन्सोल है, जो सबसे पावरफुल कॉन्सोल है अभी तक का एक्सबॉक्स सीरीज एक्स से पहले, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आपके पास एक्सबॉक्स वन एक्स है और आप वॉच डॉग्स लीजन खेल रहे हो और आपका कॉन्सोल बार बार रीस्टार्ट या शट डाउन हो रहा है, तो एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि ये सबके साथ हो रहा है। नॉर्मल नहीं है, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो सबके साथ हो रही है, सिर्फ आपके साथ नहीं। इसका पैच आ जाएगा कल यानी कि 30th को, लेकिन इंडियन टाइम के हिसाब से रात को 9 बजे के आसपास। तो अगर आपको कोई भी ऐसे इश्यूज आ रहे हैं तो कल तक का वेट कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो अगर आप गेम खेल रहे हो और आपके रैंडम शटडाउन्स वगैरह हो रहे हैं, ये चीज़ ऑफिशियली यूबीसॉफ्ट ने कंफर्म कर दी है कि यस, एक्सबॉक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर ये प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन पीसी और प्लेस्टेशन के ऊपर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स अभी तक सामने नहीं आई। अब जो लास्ट न्यूज़ आ रही है वो आ रही है प्लेस्टेशन प्लस कलेक्शंस की तरफ से। अब ये जो सर्विस है, ये सोनी प्लेस्टेशन 5 की सर्विस है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी गेम्स फ्री में मिलने वाली हैं प्लेस्टेशन प्लस के साथ, जस्ट लाइक एक्सबॉक्स गेम पास। और इसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर बहुत सारी नई नई गेम्स ऐड होती रहेंगी विद टाइम, लेकिन अभी जितनी गेम आपको ऑन डे वन देखने को मिलेंगी उसकी लिस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप देखना चाहते हो। सोनी ने ऑफिशियली बता दिया कि ये सारी गेम्स ऑन डे वन आपके लिए अवेलेबल होंगी, और इनमें से जो जो गेम्स प्लेस्टेशन 4 पे रिलीज हुई थी उनके अंदर आपको बहुत सारे एनहैंसमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से सारी गेम्स ये प्लेस्टेशन 4 पे भी अवेलेबल हैं, और आपको बहुत अच्छे ग्राफिक्स, एक तो 4K अपस्केलिंग मतलब ट्रू 4K आपको देखने को मिलेगा, फ्रेम रेट एनहैंसमेंट्स और साथ में कुछ ग्राफिकल एनहैंसमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। गाइस दैट्स इट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना नीचे, कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो या फिर मैंने अगर कोई गेमिंग न्यूज मिस कर दी हो तो वो नीचे सबके साथ शेयर जरूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं ऐसी एक और जबरदस्त वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।